वर्धेतील म्हसाळा येथील सौरभ दुबे यांची आय पी एल बावीस मध्ये विकत घेतले आहे वर्धेच्या लेखाने नक्कीच विदर्भाचे नाव रोशन केले असून आता आय पी मध्ये त्याची कामगिरी बघण्यासारखी राहणार आहे सौरभ वर्धेतील एका अत्यंत सामान्य कुटुंबाचा असून त्याने अत्यंत कठीण परिस्थितीत क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली होती गेली पाच वर्षे त्यांनी विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत चालणाऱ्या विदर्भ लेदर बॉल क्रिकेट असोसिएशनशी संबंधित आयपीएल सीझन दोन हजार बावीसमध्ये प्रवेश करून करिअरमधील पहिला टप्पा पार केला आहे तेरा फेब्रुवारी रोजी झालेल्या लिलावात सनरायझर्स हैदराबाद संघ व्यवस्थापनाने त्याला वीस लाख रुपयांना विकत घेतले आहे तसेच त्याच्या निवडीची बातमी पसरताच जिल्ह्यातील क्रिकेटप्रेमींनी भरभरून आनंद व्यक्त केला आहे वर्धासारख्या छोट्या शहरातील खेळाडूची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेसाठी निवड झाल्याने सौरभचे विविध स्तरावरून अभिनंदन होत असून त्याने वर्धा जिल्ह्याचेच नवे तर संपूर्ण विदर्भाचे नाव लौकिक केले आहे मी सबसे पहिले तो मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट मे जॉईन के लिए चार साल मतलब पहले चार साल से ही मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में एंटर हुआ हूँ उससे पहले टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था उसके लिए मेरे भाई ने मुझे काफ़ी पुश किया कि जैसे कि टेनिस बॉल क्रिकेट में कुछ रखा नहीं है लेदर बॉल क्रिकेट ज्वाइन कर वर्धा डिस्ट्रिक्ट जहाँ एक ब्रदरहुड प्रीमियर लीग करके टूर्नामेंट होता है उसके लिए ट्रायल दे और उसमें खेल तो जाके तेरा कुछ आगे हो सकता है तो ऐसा उन्होंने कहा उसके बाद मैं ज्वाइन किया क्लब ज्वाइन किया देन ब्रदरहुड प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला वहाँ पे मुझे एक मेरे सीनियर्स ने जैसे मेरे सीनियर्स ने मुझे देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं इसका नाम आगे जाना चाहिए तो उन्होंने श्री रवि लुंगे जो मेरे कोच है वर्धा के उन्होंने देखा उन्हें उन्होंने मेरा नाम आगे रिकमेंड किया उनके उन्हीं के बदौलत मुझे जैसे बी के लिए सिलेक्शन हुआ दैन बी सी रंजी ट्रॉफी स्क्वाड के लिए मैं 2017 में सिलेक्ट हुआ तो वहाँ से फिर कंटिन्यूसली मेरा जैसे एक जर्नी स्टार्ट हुआ प्रोफेशनल क्रिकेटर की उसके बाद से परफो ट्वेंटी थ्री सिकिय आइडल ट्रॉफी उसके बाद जैसे ट्वेंटी थ्री इंडिया बायलैटरल सीरीज़ थी लखनऊ में बांग्लादेश अगेंस्ट वो और फिर इमर्जिंग एशिया कप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद जब परफॉर्म करते रहा तो कंटिन्यूसली उसके बाद मुझे मुंबई इंडियंस ने एज अ नेट बॉलर कॉल किया मैं दो साल से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ा रहा और अभी मैं आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद से जुड़ चुका होगा तो इस तरह से मेरा जो ट्रैवल जर्नी था वो इस तरह से स्टार्ट हुआ जैसे आईपीएल सभी को पता है अगले महीने से स्टार्ट हो होने वाला है तो जब भी हमें कैंप के लिए बुलाया जाए और जैसे ही हमें कैंप हमारा स्टार्ट होता है तो हमारी सारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद जब भी हमें चांस मिलेगा मैच खेलने के लिए या मैच के साथ टीम के साथ जाने के लिए तो नया एक्सपीरियंस आएगा नए नए प्लेयर्स मिल उनसे नए नया नया एक्सपीरियंस जैसे वो शेयर करेंगे हम भी जाके उनसे पूछेंगे तो ये सब नई चीज़ें हमें सीखने मिलेगी और जैसे भी हमें चांस मिलता है मुझे चांस मिलता है तो मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा जैसे ही मेरा पहला सीज़न था कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी का तो उस वक्त हम सेमीफाइनल मेरी सेमीफाइनल में, सेमी में पहुँचे थे तो सेमीफाइनल मैच हमारा एडन गार्डन पे था बेंगाल अगेंस्ट तो उस समय क्रूशल क्रूशल मैच था हमारे लिए काफ़ी क्रुशल इनिंग थी उस वक्त मैंने अच्छा परफॉर्म किया